क्या एकता कपूर देने वाली है करण कुंद्रा को नया तोहफा? वेल, क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ केशवरा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी हाँ, बात करें करण कुंद्रा की तो करण कुंद्रा जो है लगातार नए नए रिकॉर्ड्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल 100 मिलियन क्रॉस कर लिए हैं लॉकअप ने और 90 डेज में 100 मिलियन व्यूज जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वेल, यहाँ पर फैंस जो है ये क्रेडिट दे रहे हैं करण कुंद्रा को, क्योंकि करण कुंद्रा जब कभी भी लॉकअप में आते हैं तो एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर करण कुंद्रा को जो है कहीं ना कहीं फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं, और जैसे ही लॉकअप के अंदर करण कुंद्रा होते हैं तो व्यूअरशिप जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हाल फिलहाल ऑनलाइन रेटिंग की बात करें तो लॉकअप जो है वो नंबर वन शो नजर आ रहा है OTT प्लेटफॉर्म पर, तो काफी ज्यादा फैंस जो हैं वो लॉकअप को पसंद कर रहे हैं करण कुंद्रा की वजह से, क्योंकि जब कभी भी करण कुंद्रा लॉकअप के अंदर होते हैं तो जाहिर सी बात है फैंस जो हैं वो जुड़ते हैं इस शो के साथ में। वही फैंस का कहना है कि अगर बात करें OTT प्लेटफॉर्म की तो नंबर वन शो जो है वो लॉकअप बना हुआ है, नागिन जो है वो टेलीविजन पर नंबर वन बना हुआ है, बेस्ट एक्टर जो है नंबर वन करण कुंद्रा है, बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो तेजस्वी प्रकाश है, और साथ ही बेस्ट कपल जो है वो नंबर वन तेजरन है। तो कहीं ना कहीं सारा क्रेडिट जो है वो करण कुंद्रा को जाता है, और फैंस जो है वो लगातार करण कुंद्रा को सपोर्ट करते हैं, लगातार उनके साथ में उनके प्रोजेक्ट्स के साथ में जुड़ जाते हैं। वेल, मैं जानना चाहूंगी आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।